कांग्रेस की महालक्ष्मी नारी न्याय गारंटी पर कांग्रेस नेता व रायपुर लोकसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार विकास उपाध्याय ने कहा कि भाजपा 9 साल पहले केंद्र का चुनाव लड़ने आई थी और महंगाई पर सबसे ज्यादा हमला किया था। भाजपा और उनकी गलत नीति ने महंगाई को और बढ़ा दिया। इस देश की महिलाएं, बहनें और माताएं सबसे ज्यादा पीड़ित है। कांग्रेस पार्टी महिलाओं को न्याय दिलाना चाहती है, इसलिए महतारी महालक्ष्मी गारंटी योजना के तहत कांग्रेस ने देश में हर महिला को 8,333 रुपए गारंटी साथ देने का फैसला किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी 9 साल पहले केंद्र का चुनाव लड़ने आई थी और महंगाई पर सबसे ज्यादा हमला किया था कि कांग्रेस ने महंगाई कर दी, लेकिन 9 साल में कांग्रेस जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, लेकिन महंगाई को भारतीय जनता पार्टी, उनकी गलत नीति, उनकी गलत योजना ने महंगाई को और बढ़ा दिया और हर घर में सीधा डकैती डालने का काम इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई है तो इस देश की महिला बहनें, माताएं पीड़ित है, क्योंकि गृहस्थी उनको चलाना है, आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है। घर घर में कलह, घर घर में लड़ाई कर अगर किसी ने कराया तो भारतीय जनता पार्टी ने कराया। कांग्रेस पार्टी नारी को न्याय दिलाना चाहती है। महतारी महालक्ष्मी गारंटी योजना के माध्यम से देश में हर महिला को 8,333 रुपया गारंटी के साथ देने का फैसला लिया है। हम ये झूठी गारंटी नहीं, हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार है, नारी न्याय गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। कर्नाटक में हमारी सरकार है, नारी न्याय गृह लक्ष्मी योजना के माध्यम से उनके अकाउंट में सीधा पैसा जा रहा है। तेलंगाना में हमारी सरकार है, वहां भी सीधा महिला बहनों के अकाउंट में पैसा जा रहा है। इसी तरह से इस लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी सब महिला बहनों के फॉर्म को भराएगी और इनको केंद्र की सरकार बनने के बाद 8,333 रुपया प्रत्येक माह हर महिला बहनों को देने का काम करेगी।